हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम इस वाले पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन, इमेजेस कैसे बनती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, मिरर, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में। साइन कन्वेंशन हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है रिफ्रेक्शन से। लाइट में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमें स्टार्ट करना है रिफ्रेक्शन से। Now, what is refraction? Reflection हमें पता है, कोई light अगर किसी पर, किसी object पे fall हो रही है and sending back, it is called the reflection. And what is a refraction? When a light passes through a medium, उसको हम बोल रहे हैं refraction. ठीक है, तो refraction क्या हो गया? When a light passes through a medium, उसको हम बोल देंगे refraction. When a light ray passes through a medium is known as refraction. अब वो medium क्या क्या हो सकते हैं? Medium कौन से हो सकते हैं जहां से light पास थ्रू कर सकती है? तो मीडियम हो सकते हैं, मीडियम का नाम हम लिख लेते हैं एक दो, ठीक है। एयर हो सकता है, देखो एयर से लाइट, जो लाइट हमें हम देख पा रहे हैं, मान लो हमने ट्यूब लाइट ऑन की, कोई बल्ब ऑन किया तो हम लाइट देख पा रहे हैं, वो लाइट कहाँ से आ रही है? एयर के थ्रू आ रही है, तो मीडियम क्या उसका? एयर है। सेकेंड क्या हो सकता है? वॉटर, अगर आप वॉटर से भी लाइट रे पास कराते तो हो जाती है। ऐसे ही ग्लास, ठीक है, और ऐसे ही चीजें हैं जिससे कि लाइट पास हो जाते हैं। हमें ज्यादातर किसमें कंपैरिजन करना, इन्हीं तीनों में कंपैरिजन हम करेंगे जब हम रिफ्रेक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इन तीनों को ज्यादातर डिस्कस करेंगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? मान लो ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ये ग्लास ब्लॉक बोलो या ग्लास स्लैब, ठीक है। यहां से आई लाइट रे, ये लाइट रे आ रही है ऐसे, रे ऑफ लाइट, ये लाइट की रे है, ये थोड़ा सा ग्लास में आती, थोड़ा सा बेंट हो जाएगी और ये अगेन फिर से एयर में जाती बेंट हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। जब हम ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्लिकली एक लाइट रे को पास करा रहे हैं तो वो क्या होती है, ग्लास स्लैब में जाके बेंट हो जाती है। ये क्या है हमारे पास? ग्लास स्लैब या ग्लास ब्लॉक भी बोल सकता है। ऑब्लिकली मतलब होता है कि जब हम एक ये स्लैंटिंग पोजीशन है, ठीक है, जब स्लैंटिंग पोजीशन होती है तो उसको हम बोल रहे हैं ऑब्लिकली। तो कोई भी लाइट रे अगर ग्लास स्लैब से हम एयर से स्टार्ट हुआ हो तो ऑब्लिकली जब इस पे आ रही है ग्लास स्लैब पे, तो उसके उसको टच करते ही क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। अगेन जब जैसे ही उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो बाहर निकली, अगेन वो बेंट हो जाएगी। तो क्या होगा, ये सिंपल डायग्राम था समझने के लिए। अब आ जाते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। उसमें क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो ये दोनों को समझने के लिए इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। नॉर्मल से जब आती है, नॉर्मल से जब लाइट स्टार्ट हुई है, मान लो इसकी नॉर्मल है, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे। तो ये जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल। अगेन नाउ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये यहां से रिफ्रेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो ये वाला एंगल आई, एंगल आई और ये एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ में बनता है। ये हमें उसमें भी पता है कि नॉर्मल के साथ में ही बनता है। तो ये दोनों हो गए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। यूजुअली क्या होता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, बट यूजुअली क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होता है इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, हमने क्या पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन की बात कर रही हूं अभी मैं,
रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यूजुअली इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल नहीं होता, यूजुअली तो नहीं होता, बाय चांस अगर किसी किसी में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नहीं होता है रिफ्रेक्शन के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रेक्शन के कॉजेस क्या होते हैं, क्यों रिफ्रेक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जो लाइट आई, लाइट रे आ रही है वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है, क्यों हो रही है, उसके कॉजेस क्या है, क्यों उसमें रिफ्रेक्शन हो रहा है, इसके हमें कॉजेस बताने हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात हो रहा है कि रिफ्रेक्शन जब हमने पढ़ा कि ऐसे लाइट ऑब्लिकली आ रही है तो वो बेंट हो रही है, बट अगर उसी ग्लास स्लैब में मैं कोई लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, तब वो बेंट नहीं होगी। कॉजेस क्या होते हैं रिफ्रेक्शन के, चेंज इन स्पीड होता है। ठीक है, फर्स्ट इज क्या, इसका जो कॉज है वो क्या है, चेंज इन स्पीड। अब आप देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻¹8। ठीक है, लाइट की स्पीड जो आइडियली स्पीड मानी गई है 3 × 10⁻¹8 मीटर पर सेकेंड, इतनी लाइट की स्पीड होती है। ये जो लाइट की स्पीड है ये वैसे तो वैक्यूम में आइडियल मानी जाती है, बट हम जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम एयर में भी उसको 3 × 10⁻¹8 मीटर पर सेकेंड ही लेकर चलते हैं। तो अगर लाइट की स्पीड इतनी है एयर में हम ले रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे वो ग्लास में आएगी या वाटर में आएगी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो क्या है, डेंसर है। ये रेयर और डेंसर हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ग्लास और वाटर में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो क्या होता है, जितनी ज्यादा स्पीड उतना रेयर मीडियम होगा, जितनी कम स्पीड उतना ही डेंसर मीडियम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर इन कंपैरिजन टू वॉटर एंड ग्लास। वॉटर और ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की वो कम हो जाती है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम जहां पर स्पीड की लाइट ज्यादा होती है इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, when the speed of light is more is known as optically rare medium। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जब स्पीड लाइट की स्पीड कम होती है। सो द डेफिनेशन इज when the speed of light is known as optically denser medium। ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा जब स्पीड लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइट की स्पीड अगर कम है तो ऑप्टिकली डेंसर, लाइट की स्पीड ज्यादा है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या हो सकता है, एयर इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ग्लास। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ग्लास। सेम ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लास और वाटर। ठीक है, ग्लास और वाटर इन कंपैरिजन टू एयर।
अगर एयर की कंपैरिजन में हम ग्लास एंड वाटर को चेक करेंगे तो वो डेंसर मीडियम है, जिसमें क्या हो रहा है लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये तो हो गए हमारे ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम। अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे कैसे लाइट मूव कर रही है, इसके दो लॉज भी हैं वो भी पढ़ने हैं, दो टू रूल्स हैं कैसे कैसे लाइट बेंड हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सा एंगल कहां पर बन रहा है, ये सब अभी हम विद द डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर टू रूल्स व्हेन लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हमारे पास टू रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल इज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकेंड केस होता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टू केसेस हैं जब एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और सेकेंड केस जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। एयर और ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो कि देखो वाटर ड्रॉ करना इतना इजी नहीं रहेगा, उसमें समझ पाना उतना इजी नहीं रहेगा, ग्लास स्लैब को ड्रॉ करेंगे उससे ही समझेंगे। तो मान लो ये ग्लास स्लैब है, यहां पर एयर है, ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। तो ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आएगी, ऐसे इंसिडेंट रे आई, ये इसकी नॉर्मल है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो जो रिफ्रेक्टेड रे है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये रिफ्रेक्टेड रे, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है ये वाली, रिफ्रेक्टेड रे है। तो ये बात समझ में आई, जब रेयर टू क्या होगा, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट बेंड टूवर्ड्स, लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की साइड वो बेंड करेगी। व्हेन लाइट मूव्स डेंसर टू रेयर मीडियम तो क्या होगा, ग्लास स्लैब सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये मान लो ये वाली लाइट ले लेते, ठीक है, जो यहां से आई, इसके लिए नॉर्मल ये हो गई। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो क्या होती है, वो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके लिए ये वाली इंसिडेंट रे हो गई और ये हो गई रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे। अगेन ये ग्लास स्लैब, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है तो क्या होगा, लाइट गोज गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी वो लाइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक केस है जब लाइट कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास एंड अगेन एयर में। देखो ये हमने अलग अलग बनाया, तो पहले ग्लास एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में जा रही है, तो उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाते हैं उससे समझेंगे उसको। अगेन हमें क्या बनानी पड़ेगी, ग्लास स्लैब बना लेते हैं बड़ी सी ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, इसमें आई ये वाली इंसिडेंट रे, यहां पर आ रही है, ठीक है, मान लो यहां से आ रही है इंसिडेंट रे, ये इसके लिए नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी,
ठीक है, तो ये कहां पे बेंट हुई, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या होगा, ये कहां जा रही है, ये इसके लिए नॉर्मल, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे तो समझ में आ गया, अभी तक वही पढ़ते आ रहे। ये हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे, तो ये वाली जो रे होती है वो होती है इमर्जेंट रे, जो यहां से आई ग्लास में, ग्लास से फिर जो बाहर जा रही है, दैट इज इमर्जेंट रे। अगर मैं इसको ऐसे इमेजिन करूं कि ये मान लो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे विच इज इमेजिन्ड। ठीक है, तो उनके बीच का जो जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ग्लास स्लैब, ये एयर यहां पर, अगेन यहां पर एयर। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि इस केस में जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से अगेन एयर में आ रही है, तो कैसे कैसे क्या कहां पर है। ठीक है, तो इसका इसके लिए सेम नॉर्मल के साथ में ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये नॉर्मल के साथ बनाना है तो रिफ्रेक्टेड एंगल, ये वाला इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल ई। तो ये केसेस थे, पहले तो दो रूल्स हैं जब लाइट बेंड हो रही है। रूल क्या है कि पहला फर्स्ट केस, केस वन है जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, डेंसर रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रूल वन क्या, वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। सेकेंड रूल, जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक केस है जब लाइट जा रही है एयर टू ग्लास एंड अगेन इन टू एयर। तो ये हमारा डायग्राम हो गया है, उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट बता दिया क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट आ रही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो थ्री फैक्टर्स कौन से हैं, फर्स्ट इज मीडियम, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिस्प्लेस इंसिडेंट पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकेंड इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड नेक्स्ट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, यहां पर हम ग्लास स्लैब यूज कर रहे हैं, बट इट कैन बी अ मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम की, यहां पर तो ये थिकनेस ले रहे हैं हम, ठीक है, उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज थ्री फैक्टर्स। मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, थिकनेस अगर इंक्रीज होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स क्या होते हैं रिफ्रेक्शन के,
हमें एक स्टिक वाला स्टिक होगी। बचपन में क्या करते हैं बहुत बार है ना, पानी में स्टिक डाल के देखते हैं, वाटर में हमने स्टिक डाली ऐसे, तो वो हमें थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है ना, तो इस तरीके से वो हमें दिखाई देगी, हमने ऐसे डाली है वो और वो ऐसे दिखाई देगी हमें, तो वो बेंड हो रही है, तो वो क्या है रिफ्रेक्शन हो रहा है, वो उसका इफेक्ट है कि वो हमें बेंड दिखाई दे रही है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें वाटर में मान लो डाल दिया तो हमें दिखाई देगा कि वो थोड़ा सा ऊपर है, जितना डिस्टेंस होता है हमें लगता है कि वो डिस्टेंस कम है। तो सेम ऐसे जो पूल होता है, जो पूल ऑफ वाटर होता है वो हमें कम डीप दिखाई देता है, लेस डीप दिखाई देता है, हमें लगता है कि इसमें पानी कम है बट उसकी गहराई क्या होती है बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू जितना हम उसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज थिक ग्लास स्लैब। अगर हम प्रिंटेड मैटर पे, मान लो आपकी बुक है, आपने अपनी बुक पे एक ग्लास स्लैब ऐसे रख दी और आप उसको टॉप से देख रहे हो, तो क्या होगा उसको टॉप से देखने पर, ऐसे टॉप से देख रहे हो आप तो वो आपको दिखाई देगा कि थोड़े से रेज हो गए, थोड़े बड़े लेटर दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज लेमन या हम बॉल अगर वाटर में डाल दें तो वो हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे वो लार्ज दिखाई देगा। नेक्स्ट इज स्टार अपीयर टू ट्विंकल। बचपन में बहुत पोएम पढ़ी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो क्या है एक्चुअली ट्विंकल नहीं कर रहे हैं स्टार्स, स्टार्स की जो लाइट है वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं करती है, वो क्या हो रहा है वो रिफ्रेक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, ऐसे पावर ट्विंकलिंग हो रही है उसमें, तो वो एक्चुअल में नहीं होता, वो किसकी वजह से रिफ्रेक्शन की वजह से। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, लॉज क्या होते हैं रिफ्रेक्शन के, टू लॉज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन के टू लॉज थे ऐसे ही रिफ्रेक्शन के टू लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो तीनों रे होती है, इंसिडेंट रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वो सेम प्लेन पर रहती है। फर्स्ट रूल इज सेम एज रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल सेम रहेगी, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था यहाँ पर रिफ्रेक्टेड रे है, ठीक है बस इतना सा डिफरेंस है। सेकेंड इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, जो रेशियो रहेगा साइन ऑफ इंसिडेंट का और साइन ऑफ रिफ्रेक्शन का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया यूज किया जा रहा है मीडियम के लिए, पेयर की बात हो रही है, दो मीडियम है तो प्लूरल फॉर्म इज मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, इसको क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, इस लॉ को सेकेंड लॉ का नाम स्नेल्स लॉ भी है। तो मे बी क्वेश्चन प्रोबेबली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, हो सकता है ऐसे आए कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रेक्शन, तो आप ये लिख दोगे, मे बी ऐसे पूछ लिए व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमने तो रिफ्रेक्शन के दो लॉ पढ़े थे, अब ये स्नेल्स लॉ कहां से आ गया, तो ये स्नेल्स लॉ आया है इज द सेकेंड लॉ, ठीक है स्नेल्स लॉ इज सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रेक्शन। तो जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मान लो एयर और वॉटर की बात कर रहे हैं तो वो जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। सपोज एयर एंड वॉटर के लिए ये रेशियो है तो ये यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं 1:2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका रेशियो 1:2 है तो 1:2 ही रहेगा। अगर एयर और ग्लास का 3:4 है या 3 ऐसे तो वो 3:4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं होते हैं, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अगर किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है उनका रेशियो सेम रहेगा, तो साइन आई शॉर्ट में जो फॉर्मूला लिखना है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमने कवर किया है आज के लास्ट में लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आज के पार्ट में या इससे पहले रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी कुछ दिन से वीडियोस थोड़े कम आ रही थी, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से वो वीडियोस मुझे मैं शूट नहीं कर पाई, तो उस वजह से वीडियोस कम आई हैं, बट अभी कोशिश करूंगी कि वो रेगुलर आती रहे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।